आसाम टू केदारनाथ के यात्रा के सातवें दिन पर आप लोगों को स्वागत है। आज का डेस्टिनेशन है हम लोगों का वो पुलिस चौकी से गौरीकुंड तक। नितिना उठ बे, गुड मॉर्निंग। नजारा देखना बाहर का मस्त है। दो तीन सामान रह गया था पास में, दुकान भी खुल गया है अभी, तो ये अभी हमें ले रहे थे सामान था कल लेने के लिए। डिस्पोजल था वो मैंने ले ले, डिस्पोजल और चम्मच, प्लेट प्लेट। आंटी डिस्पोजल मिल जाएगा ना, प्लेट वगैरह? हाँ मिल जाएगा। तो गाइस हम लोग उत्तराखंड में है, पहाड़ी में हम लोग सवेरा हम लोग उधर रहे, रुक गया कल, तो अभी हमें मूड होएगा पेट्रोल देगा, अभी उसके बाद कल्टी मारेगा इधर से राइट टू केदारनाथ। एक दिन लेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो हो चुका है हम लोग के साथ। अभी कुछ आगे कुछ अलग करना है अभी। आज सुबह का पहाड़ी में वाह टेस्टी बना रहे हैं। तो ये रहा सूर्या भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाँ वेलकम टू उत्तराखंड। ये पूरी रात मैं तो नींद ही नहीं आई, दो दिन हो गए। मैं पीछे बेहोश पड़ा था, पीछे मेरा भी नींद नहीं आ रहा तब से, मतलब वो मोबाइल पे रुका रहा मोबाइल पे। कोई नहीं भाई, ऐसा ही होता है ट्रिप में, अपने एंजॉय करो। और अगला नेक्स्ट लेवल अपना पूरा रुकने का होगा, एक तो तेल भरवाने का और फ्रेश हो लिए ना, होना है किसी को। अभी तो नहीं हो रहा, यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं। ये सीन निकाली, टाइम जा रहा है, 6 मिनट का टाइम भी बचा है मेरा मोबाइल पे। एक साथ कितना? हाँ सेवन, तुम सिक्स सिक्स सेवन नाइन, सही आता से पढ़ना। ओके बाय बाय। ठीक है बाय बाय, हर हर महादेव। तो निकल चले हैं मंदिर की ओर, जय केदार बाबा की जय हो। तो यार हम लोग निकल गए और मेरा पीछे बैठा है संतोष भाई, और डेबो भाई आगे बैठा हुआ है नितिन के साथ, क्लासिक 350 में बैठा है। तो यहाँ से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर है हम लोग का जो केदारनाथ ट्रैक जो सोन प्रयाग होता है ना, यहाँ से 250 किलोमीटर है लगभग। तो वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को अच्छा अच्छा नज़ारा देखने के लिए भी मिलता रहेगा। और तो अभी तो जो मैं पिछला साल जो साइकिल पे आया था ये सब रास्ते में, तो अभी तो एकदम मस्त लग रहा है। बाइक से आप लोग देख सकते हो यह नज़ारा, साइकिल में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यहाँ में टाइम नहीं लगता है। और हम लोगों को जो सोनप्रयाग तक पहुँचने के लिए हम लोग को 2 दिन लगा था, लेकिन आज तो हम लोग शाम तक पहुँचने वाले हैं। ये बाइक पे आए, तेज़ी से जा रहे हैं और पहले से रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। तो ये रहा संतोष भाई मेरे साथ बैठा हुआ है संतोष भाई, और आप नज़ारा देख सकते हो क्या मतलब मस्त है। और ये हमें लैंडस्लाइड जोन भी है, यहाँ में लैंडस्लाइड होते रहता है, और ये थोड़ा हाइट है, थोड़े स्लो जा रहे हैं हम लोग। और आगे देख हम लोग नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है अभी का जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जो संगम होता है ना, दोनों नदी का जो संगम होता है वहाँ से, मतलब गंगा जो बहती है ना, वही नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। 80 किलोमीटर होता है लगभग। अभी हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है देवप्रयाग। तो मन तो एकदम अलग ही किस्म का, अलग ही लेवल पे चल रहा है, क्योंकि नज़ारा देख देख के मेरा मतलब जी नहीं भर रहा है, आँखें खुला के खुला रह रहा है। दिस इज देवप्रयाग फाइनली।
हम लोग पहुँच गया देवप्रयाग, आसाम टू देवप्रयाग। अभी अभी फिलहाल पहुँच गया। आप लोग नदी का कलर देख सकते हो, जो संगम हो रहा है ना, तो संगम का जगह देख सकते हो। दो नदी है, भागीरथी और अलकनंदा। आप लोग देख सकते हो क्या मस्त नज़ारा है। तो यहीं से शुरू होती है गंगा, जो आप लोग देख सकते हो। एक लेफ्ट वाला जो नीली कलर आ रहा है वो अलकनंदा है, और राइट साइड में जो नदी आ रहा है वो भागीरथी है। दोनों का संगम होके यहाँ से गंगा शुरू हो जाती है। आपका पिछला वीडियो में भी मैं बोला था जब मैं साइकिल राइड कर रहा था। एक्सचेंज हो गया है। अभी संतोष दूसरा कार, तू कहाँ बैठेगा अभी? ये तू तो मेरे पीछे बैठेगा ना? हाँ, ये मेरे पीछे बैठ, तू इसके पीछे बैठ ले। तो अभी मेरे पीछे ये बैठेगा नितिन, और अभी चलाने लगा दूसरा ड्राइवर आ गया। अरे हेलमेट देख उसके अंदर है। कल बाइक का बात नहीं बोल रहा, ये ले ले। कल सबको बाइक चाहिए, आज सब बैठने के लिए ढूंढेगा। तो गाइस हम लोग अभी देवप्रयाग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पीछे बगल में ही देवप्रयाग है। अभी आगे कौन सा प्रयाग मिलेगा हम लोगों को? रुद्रप्रयाग पहले मिलेगा, करण प्रयाग पहले मिलेगा? रुद्रप्रयाग पहले मिलेगा, फिर करण प्रयाग। रुद्रप्रयाग पहले मिलेगा। और एक एक रास्ता ऐसा है ना जो करण प्रयाग नहीं मिलता है, केरनाथ का दो रास्ता है, पता है कि नहीं? हम लोग उस साइड से होके गया था, इस साइड से नहीं गया था, हाईवे से नहीं गया था। सर रेनकोट हम ही जाएगा, रेनकोट ये वो तुमको सिर्फ केदारनाथ में काम आएगा। अभी तुम ये सिर्फ सिंपल पाँव बचा नहीं सकेगा इसमें। हाँ, इस पे पाँव नीचे नहीं आता, ये सिर्फ ऊपर का पानी है, यहाँ तक का है बस, केवल यार आप लोग नजारा देख सकते हो गाइस। ये रहा अलकनंदा, उधर भागीरथी था, ये वाला अलकनंदा। अरे हम लोगों के साथ जाएगा अलकनंदा के साथ हम लोग। और इस बार ना पानी बहुत ही साफ है, आप लोग देख सकते हो अलकनंदा का पानी पूरा साफ है। इस बार हम लोग को अच्छा वाला ग्रीन वाला वाटर मिल गया, और फिर और दिनों के बाद हम लोगों को ये पानी नहीं मिलेगा, अच्छा वाला नहीं मिलेगा, धूल वाला मिट्टी वाला मिलता रहेगा। अभी हम लोग को जाना है ऊपर, ऊपर में अच्छा से बर्फ देखना है, और रास्ता देख सकते हो आप कैसा रास्ता है। बारिश दे दिया फिलहाल अभी, तो रेनकोट पहन लेते, रेनकोट पहन के फिर से चलाना है। और यात्रा में तो बारिश मिलता ही रहता है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। देख सकते हो,
पहुंचो ना, और पहुंचो, एक पहुंच के रहो ना। कहाँ से हो? गुजरात। गुजरात सही है। कहाँ यात्रा, कहाँ कहाँ का? साइकिलिंग कर रहा। साइकिलिंग, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ का है अभी, कहाँ तक कर रहे हो? केदारनाथ। केदारनाथ तक भैया। आई डिड लास्ट ईयर आफ्टर केदारनाथ फ्रॉम फाया नेपाल। आई डिड नेपाल पशुपतिनाथ, आफ्टर दैट केदारनाथ पूर्णा। आई डिड लास्ट ईयर फ्रॉम नेपाल। आई एम फ्रॉम असम। करिश्मा ले ले ले, ये पल मिल गया मेरे को। सत्यकाल सत्यकाल जी, क्या हाल है भैया? सत्यकाल भैया, सत्यकाल भाजी। चैनल का नाम क्या है? करिश्मन ब्लॉग्स। लंगर 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 ए लंगर लंगर सोनी दारे उधर उधर चल पड़ा। अरे दो दिन के लिए मौज है, कर ले बे, नहीं मिलेगा फिर काम 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 ही काम। यात्रा के दौरान हम लोग यहाँ में लंगर लगा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के आदमियों को, जहाँ भी हो इतना अच्छा संस्था बना के रखा है। तो कोई भी मतलब बिना एक रुपये भी नहीं चाहिए इधर में, जो फ्री का खाना है ये मत अच्छा से पूरा पेट भर के खाया, रसगुल्ला ये सब जो मिठाई उठाई रोटी सब कुछ दे के, भाई क्या हुआ है ये। तो मैं इतना ही बोलूँगा वाहेगुरु जी के 100 जो बोले सोनिया शस्त्रिया का, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो अगर कोई यात्रा कर रहे हो इधर, आप लोगों को अगर कर रहे हो ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ये हरिद्वार से लेके एकदम केदारनाथ तक आपको लंगर मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। निकल रहे चलो, ठीक है भाजी, सत श्री अकाल। तो खा के बहुत मस्त लगा, पेट भर गया है, अभी आगे निकलते हैं। यहाँ से केदारनाथ लगभग 120 किलोमीटर प्लस है, अभी तो हम लोग काशी भी पहुँचना है आगे जाके। इधर से मोड़ना है हम लोगों ना 48, तो बद्रीनाथ नहीं जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, और वहाँ जा कर के पहले अपना बेस जहाँ तक पहुँचा जाता है आज पहुँचते हैं, टेंट लगाते हैं आराम से, नाइट स्टे मतलब जितना हो सके हम लोग एडवांस रहेंगे तब सही रहेगा। हाँ, और फिर कल मानसरोवर भी जाएंगे। हाँ ठीक है, और उसके बाद रिटर्न वापस आने का टाइम है, ये चेक करेंगे ना बद्रीनाथ तुंगनाथ टाइम रहा तो एक दिन में वापस आ सकते हैं ना, टाइम देख लेंगे ना उस हिसाब से। हाँ, तो निकलते 48 किलोमीटर गुप्त काशी, 48 किलोमीटर गुप्त काशी, तो निकलते हैं। तो अभी आ गया है हम लोग का हीरो क्लासिक पे, सही है। तो हो गया, मेरे साथ जा रहा है ये भाई अंद्रा भाई, तो इधर इधर के इसके साथ जा रहा है ये आसामी भाई के साथ जा रहा है, डेबा भाई के साथ जा रहा है ये रोहित भाई, बाकी वो लोग अलग हो गया, आप लोग देख सकते हो इधर में। अभी आ गया नितिन, इधर आ गया, सब एक्सचेंज हो गया। सुन हाँ बोल, इसका वो देना डाटा की, बोल पीटा अभी घुसा दिया, पैक कर दिया, यहाँ बजा लेना, इतना बड़ा साउंड सिस्टम पर आया है, इसको चार्ज कर लेंगे, रख लो। हाँ तो अभी चलाना है मंजिल केदारनाथ ना। तो हम लोग वहाँ में एक जगह में इकट्ठे होके रुक गए और थोड़ा गाड़ी एक्सचेंज कर लिया, बाइक वगैरह। तो अभी तो मेरे को तो एक्सचेंज करना नहीं है, मेरे को खुद जाना है अभी ये चला के, तो थका नहीं, अगर थकेगा तो सचेगा। ये कहाँ रुक गया ये लोग, शायद कुछ ब्रेक ले रहा होगा, काफ़ी दूर से हम लोग आ ही रहे टाइम से, कुछ खाया नहीं, शायद चाय बना रहे हैं ये सर। क्या क्या कर रहा है? चाय बना रहा, चाय
चाय बना रहा है, चाय चाय चाय। एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया मैं डायलॉग। अरे किन किन के लिए बना रहा है चाय? चाय हमें भी चाहिए चाय। तो गाइस यहां में चाय बन रही है, अभी मिलेगा राहुल जी, चाय बन रही है। राहुल जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी कटप्पा को किसने मारा? ये डाल रही चाय कटप्पा चाय बना रहा है।